गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th, एक्सरसाइज 21.3. आइटम दिया गया है, मंथली इनकम एक फैमिली की है 28,800, रेंट पर इतना खर्चा हो जाता है, फूड पे इतना, क्लॉथिंग पे इतना, एजुकेशन पे इतना, सेविंग इतनी है. तो आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है. पाई चार्ट बनाना बहुत ही आसान है. अब इसमें देखिए, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360. इस तरीके से अब देखिए, हमारा जो दिया गया है आइटम्स, आइटम्स को हम यहां लिख लेंगे. आइटम्स कौन कौन से हैं, पहला है रेंट, रेंट दूसरा क्या है फूड पर, तीसरा क्या है क्लॉथिंग पे, तो क्लॉथिंग लिख लिया. फिर किस पे यूज हो रहा है, एजुकेशन पर. फिर हमारा किस पे यूज हो रहा है, सेविंग पर. सेविंग कितना हो रहा है, रेंट फूड क्लॉथिंग एजुकेशन सेविंग. अब देखिए, इस पे जो कहा जा रहा है इसका टोटल हम निकाल लेंगे, टोटल इसका इन सब में कितना खर्चा हो रहा है वो निकाल लेंगे. देखिए रेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, रेंट पर खर्चा हो रहा है 8,000, हमने लिख लिया 8,000. इस पे कितना खर्चा हो रहा है फूड पे, 10,800. इस तरीके से 5,600, एजुकेशन पर 3,600, 10,800 ठीक, फिर 5,600 ठीक, 600, 800 सेविंग हो रही. बस सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना आएगा 10 और 8. इस तरीके से इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 28,800, 28,800 टोटल आएगा. अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले ये जो नंबर दिया रहेगा अपॉन टोटल इंटू 360, तो आपको परसेंटेज ऐसे निकल जाएगा. जैसे ये नंबर कितना है 8,000 है, तो 8,000 लिखा. टोटल नंबर कितना आया है 28,000, 28,800 इंटू 360 डिग्री. तो देखिए 1020, 1020, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 अपान कितना बचा, नीचे 288 बचा. जब इसको कट करेंगे तो 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री आ गया. इसी तरीके से इसको करेंगे, यहाँ 10,800 है, 10,800 है अपान टोटल कितना है, टोटल हमारा 28,000. ये चीज़ें दोनों सेम रहेगी, यही बदलना है, 28,800 इंटू 360 डिग्री. ये जब कट करेंगे तो ये आएगा 135 डिग्री. इसको कट करेंगे देखिए, यहाँ से यहाँ ये 135 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो आएगा 56,100 अपॉन 28,800 इंटू 360 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री. इसी तरीके से 3,600 अपॉन 28,800 इंटू 360 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 45 डिग्री. इसी तरीके से यहाँ 800 अपॉन 28,800 इंटू 360 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री. अब हम क्या बनाएंगे, एक पाई चार्ट बनाएंगे. तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे. सर्कल में देखिए शुरू से शुरू करेंगे, 100% क्या है, 100% इस तरीके से करेंगे. ये 100% हो गया, ये क्या है रेंट, इतना रेंट लग गया. नेक्स्ट कितना है 135, ये कुछ बड़ा हो गया 135 डिग्री. ये किसका है, फूड का है, यहाँ फूड के लिए इतना खर्चा हुआ. आप ऐसे बनाते चलेंगे. और फिर क्या करेंगे, 70% हमारा किस में यूज हुआ, 70% ये हमारा यूज हुआ क्लॉथिंग में,
45% हमारा किस में यूज हो गया, एजुकेशन में। ऐसे लिखते चले जाएंगे, ये एजुकेशन का है। और ये जो 10% बचा है ये किसके लिए है, ये हमारा है सेविंग। हो गया, ये पाई चार्ट इस तरीके से बनाएंगे। जो नंबर दिया होगा टोटल कर लीजिए, जो नंबर दिया गया अपान टोटल इंटू 360, ये नंबर लिख के अपान टोटल इंटू 360 इस तरीके से अलग अलग बना के फिर पाई चार्ट बना लीजिए। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड देखिए, एक्टिविटी दी गई है तो आप यहाँ एक्टिविटी लिखेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। तो एक्टिविटी पहला क्या है, स्कूल में एक्टिविटी कितने घंटे करते हैं, 6 आवर। एच डब्ल्यू होमवर्क में कितना करते हैं, 4 आवर्स। प्लेइंग कितना मिनट करते हैं, खेल खेलते हैं 3 घंटे। स्लीप यानी सोते कितने घंटे हैं, 8 घंटे। अदर एक्टिविटी क्या होता है, 3 आवर्स। टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना आ रहा है, 24। 24 घंटे होते हैं, ये टोटल 26 आवर आ रहा है, और 24 आवर्स आ रहा है। अब देखिए 24 आवर्स का अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, नंबर अपॉन टोटल इंटू 360। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 6 अपान, देखिए 6 अपान टोटल है 24 इंटू 360। 6 4 जा और 4 9 जा यानी 90 डिग्री आ गया। ये क्या करेंगे, 4 अपान 24 नंबर अपान टोटल इंटू 360। जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से 3 अपान टोटल कितना है, 24 इंटू 360। थ्री 8 जा और 8 45 जा। इसी तरीके से अब हम स्लीपिंग का निकाल लेंगे, 8 अपान 24 इंटू 360 ये आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब अदर में क्या है, 3 अपान 24 इंटू 360 ये पहले से ही निकाल चुके हैं, 45 डिग्री। अब हम यहाँ से पाई चार्ट बना लेंगे। देखिए एक ये बना लिया, बीच में सेंटर बना लिया। अब यहाँ से पहला क्या है, स्कूल 90 डिग्री बना दीजिए, 90 डिग्री हो गया ये स्कूल। स्कूल में 90% जो होता है वो यहाँ यूज करते हैं, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री हो, 60 होमवर्क बना देंगे। 60 डिग्री ये क्या हो गया, एच डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या हो गया, ये प्लेइंग करते हैं। 120 डिग्री ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, 120। स्लीपिंग स्लीप करते हैं, और जो बचा 45 हो गया है अदर्स, अदर एक्टिविटी करते हैं। तो ये पाई चार्ट हमारा बन गया इस तरीके से। ये मत बनाइएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप करिएगा, इन सबको बाकी क्वेश्चंस इसी तरीके से करिएगा। जैसे ये एक पाई चार्ट दिया गया, इसमें पूछ रहा है हु वोन द इलेक्शन, तो रोहित जीतता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय एनी कैंडिडेट, तो मिनिमम नंबर आपको बताना है कि कोई कैंडिडेट कितना पाया, 60% मिनिमम है। इसमें हो जाएगा 600। नियरेस्ट कितने, 20% से जीता है तो 20% निकाल लीजिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।